नमस्कार मैडम, मनीष आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। अभी 10 करोड़ रोड अभी आवास के पास है। यहाँ पर देख सकते हैं आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ जुटे हुए हैं। यहाँ से जानते हैं इनसे क्या यहाँ पर आरजेडी कार्यालय के पास जुटे हुए हैं, क्या कारण से जुड़े हुए हैं, किस अब यहाँ पर आरजेडी कार्यालय के पास जुटे हुए हैं, सर क्या क्या किस लिए जुटे हुए हैं? आज जो है विधिवत रूप से ओसामा साहब आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया है। बीच में उनके वालिद मोहतरम मोहम्मद साहबुद्दीन साहब आरजेडी में थे, आरजेडी में उन्होंने अपना ज़िंदगी ख़त्म कर लिया। बीच में विगत लोकसभा चुनाव में कुछ आपसी नाइतफाकी हुई, जिसके चलते मैडम हिना साहब जो है उनकी वाइफ निर्दलीय प्रत्याशी बनकर लड़ी थी। फिर आज अपने पुराने पार्टी में जो साहबुद्दीन साहब की पार्टी थी, जो फाउंडर मेंबर थे आरजेडी के, उस पार्टी में आप उन्होंने आज ज्वाइन किया है फिर पुनः। क्या इनको आने से पार्टी को मजबूती मिलेगा? आने से पूरे बिहार में, पूरे सिवान और बिहार में पार्टी बहुत ही मजबूत होगी। ज्वाइनिंग हुई है तो पुनः जो 90 और 95 में जो आरजेडी था, समझिए कि उसी तरह से फिर मजबूती में ये पार्टी जो है रहेगी पूरे बिहार में। क्या इलेक्शन भी लड़ने के लिए लड़ेंगे क्या? अब तो इलेक्शन के बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं क्योंकि बड़े लोगों की बात। मौका मिले तो मौका मिलेगा तो बिल्कुल लड़ेंगे। अगर तेजस्वी जी चाहेंगे तो लड़ाएंगे उनको चुनाव, और काफ़ी मजबूत होगी पार्टी ओसामा जी और हिना साहब के आने से। शाहबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, उसी में हम लोग भी, मैं हरेंद्र कुमार सिंह जो सिवान से हूँ, हम लोग सब माननीय तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में राजद की सदस्य ज्वाइन किए। क्या इनको आने से पार्टी की मजबूती मिलेगी? पार्टी की मजबूती शुरू से ही रही है और थोड़ा सा मनमुटाव था दोनों परिवार के बीच में, जिसका लोग लाभ उठा रहे थे। आज दोनों परिवार एक हो गए हैं और आने वाले चुनाव में निश्चित ही ये मजबूती मिलेगी। ये जो पिछले चुनाव में आप देख भी चुके हैं कि सिवान में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 हम लोग जीते थे, इस बार 8 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। आज ज्वाइनिंग में आप लोग आए हुए थे, इनको आने से क्या पार्टी मजबूती मिलेगी? एकदम बढ़िया बढ़िया पार्टी चल जाएगा, एकदम बढ़िया जाएगा। जी 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 जी। क्या 2025 में पार्टी को क्या लग रहा है? 2025 का जो है आरजेडी का ही सरकार बनेगा। आरजेडी सरकार बनेगा? जी 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 एकदम। पूरा 100% क्या लग रहा है आपको? 100% में 100% है। 100% कंफर्म है? एकदम कंफर्म है। आरजेडी इतना है कि सब नौजवान का दिल में बैठा हुआ है। अच्छा, ऐसा कहाँ लग रहा है? इनको आने से लग रहा है कि पहले भी लग रहा था? नहीं, इसका आने से जो है सब नौजवान का, गरीब मजदूर का बहुत खुशी हो रहा है। आरजेडी ऐसा सरकार है कि उसका आने से हर इंसान का खुशी हो रहा है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है इनको आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी? हाँ, डेफिनेटली इनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी ने, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि बिहार में आरजेडी की सरकार आने से हर नौजवान युवाओं को, जो शिक्षित है, जो यज्ञ युवा हैं, उन्हें निश्चित रूप से नौकरियाँ मिलेंगी, उन्हें रोजगार मिलेगा सरकारी नौकरी के रूप में। जो अनएजुकेटेड पर्सन है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं हमारे जैसे, उनको भी निश्चित रूप से बिहार में कल कारखाना के रूप में, उद्योग के रूप में, वहाँ भी उनको जो है नौकरियाँ मिलेंगी, हमें मजदूरी मिलेगा, हमें पलायन करना नहीं पड़ेगा। और एक बिहारी 100 पर भारी, ऐसे भी कहावत है, ये 100 पर नहीं करोड़ों पर भारी है। कहाँ से हैं आप? मैं बरारी कटिहार से हूँ। और एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा मैं कि इस वक्त आरजेडी के साथ लोगों का जुड़ाव इसलिए है, तमाम लोग आरजेडी के साथ जुड़ना इसलिए चाह रहे हैं कि बिहार की जो सदियों पुरानी गंगा जमनी तहजीब रही है, बिहार में सारे लोग, सारे धर्म मजाहब के लोग, सारे संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सारे लोग इतने प्यार से रह रहे हैं और इतने मजहब और कल्चर से भरा हुआ हमारा बिहार है। इन कल्चर को और इस सौहार्द को बिगाड़ने के लिए जो नीतीश बाबू की सहयोगी पार्टी है बिहार में, जिनकी पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, वो इस गंगा जमनी तहजीब को, वो इस क्राफ्ट को तोड़ने का काम कर रही है और अनुचित बयानबाजी कर रही है। इस वजह से हम लोग मोहभंग करके इनके साथ हैं। तो आपने सुना यहाँ पर तमाम लोगों से मैं बात किया, सबका यही कहना कि हिना साहब जो साहबुद्दीन की पत्नी है, इनको आने से पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज 24 बने रहे, धन्यवाद।